हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। तो आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ जो US एम्बेसी की तरफ से आया है, और काफ़ी देर से ये इम्पॉर्टेंट भी हो चुका था उनकी तरफ से अपडेट आना, लेकिन आया नहीं था बिकॉज बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन US की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया था। सो काफ़ी दिनों के बाद ये अपडेट आया है, और ये अपडेट है जो US की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी, जो इंटरनेशनल ट्रैवल थे, उसके बारे में है ये। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें अपने आपको मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट देता हूँ, और जनरली मेरा अपडेट यूट्यूब पे सबसे फर्स्ट टाइम होता है कोई, आई मीन टू से कि मेरी वीडियो सबसे पहले होती है यूट्यूब पे। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो इमिग्रेशन के अपडेट्स के साथ, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये 2020 से लेके जब से ही हमें कोविड आया है हमारी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है वो बदल चुकी है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रूव हुआ, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा प्रूव हुआ। और कोविड की वजह से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी, जो कंट्री में लोगों आना जाना था, जो बाय फ्लाइट जाते थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। इमिग्रेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों के वीज़ाज़ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। सो अल्टीमेटली जो कोविड ने था तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला लोगों की लाइफ्स में। तो बात करते हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बारे में। जब से कोविड आया है तो पूरी कंट्रीज़ में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आया कि आप क्वारंटाइन हो गए, आपको यू हैव टू बी सेल्फ आइसोलेटेड फॉर 14 डेज। देन आया भी आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव निकला तभी आप ट्रैवल कर पाओगे। एंड देन उसके बाद आया कि आपके पास वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो अब जो US की तरफ से अपडेट आया है, ये बाकी कंट्रीज ने पहले कर दिया था, अब US की तरफ से अपडेट आया है। तो पहले ऐसा था कि अगर आप US में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको क्या था, आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट देना पड़ता था कोविड का, वो भी 24 आवर्स लेटेस्ट होना चाहिए था, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है उन्होंने 12 जून से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है बिना कोविड टेस्ट किए भी आप एंटर कर सकते हो। तो बात करते हैं कि अब उसमें कोई और चीज़ भी ऐड ऑन हुई है, क्या है या क्या नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इसके अलावा अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो हाउ कैन यू प्रूव कि आप कोविड नेगेटिव हो। तो उसके लिए आपको कहा है कि आपके वैक्सीनेशन दोनों डोज लगे होने चाहिए, जो कि WHO के द्वारा अप्रूव्ड है, वही वैक्सीन होनी चाहिए। कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है इंडिया में अकॉर्डिंग, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। बट मेक श्योर लगाने से पहले आप अपने यूनिवर्सिटी या जिस भी आप इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वहाँ से कंफर्म कर लें कि विच वैक्सीन इज़ गुड फॉर यू। अगर आपने ट्रैवल करना है तो मेक श्योर कि आप उसको कर लें। और अगर आपको फीवर फील होता है ट्रैवल करते समय, फीवर फील का होता है, तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़े उनको, बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग द सिम्टम्स ऑफ कोविड तो हो सकता है कि आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देना पड़े। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, बट उनके जो अपडेट के अकॉर्डिंग, बेसिक के अपडेट के अकॉर्डिंग, आपको अब नेगेटिव रिपोर्ट देने की कंपल्सरी नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव द नेगेटिव रिपोर्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर हैविंग अ फीवर और सिम्टम्स ऑफ कोविड। So this was all about the video. If you like this video, do hit the like button. और अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बाय।